जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, जिसके लिए हमारा टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा था। आज हम लोग उसका 23वां पार्ट पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने उत्कर्ष एकेडमी को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। प्यारे साथियों, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट उत्कर्ष एकेडमी के साथ बनाए रखें। और दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी आपसे वादा करता है कि आपके लिए हर दिन एक ऐसा कंटेंट लेकर आएगा जो आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से लाइक शेयर किया करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन सीरीज अभी हमारी शुरू होने वाली है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दें। तो प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। प्यारे साथियों, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिएगा, एक दिन जरूर आप रास्ते में सफल होगे। यदि पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो जरूर हम लोग कह रहे हैं आपसे कि आप सफल होगे। प्यारे साथियों, आज का एग्जाम में आग लगाने वाला पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय अगर पूछे, बताइएगा सैन फ्रांसिस्को। वेरी मोस्ट आईएमपी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को में। आगे यदि बात करूं दोस्तों, तो इससे वेरी मोस्ट आईएमपी डिटेल आपको याद रखना है। इसके सह संस्थापक या संस्थापक दोस्तों सोहन सिंह भकना लाला हरदयाल थे। दोस्तों, गदर पार्टी के दोनों इसके संस्थापकों का नाम याद रखना, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना पूछा जाए तो 1913 में हुई थी, अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर दो, निम्न में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कौन सा कर ऐसा है दोस्तों जिसकी वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है। सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक कर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा व्यावसायिक कर की वसूली नहीं की जाती है। बाकी जो सारे कर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, इन सभी की वसूली केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों, जो व्यावसायिक कर है उसकी वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो इतनी जानकारी आपको छाप के रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा, या दोस्तों इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, किसने बनवाया था। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों, और अजमेर में बनवाया था। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। उसके बाद गुलाम वंश का पहला सुल्तान पूछा जाए तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर चार की, तो साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी, एग्जाम के अंदर धुआं धुआं कर देगा दोस्तों एक क्वेश्चन, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वेलोड्रम, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकिलिंग का खेल परिसर वेलोड्रम कहलाता है। अब चार ऑप्शन जो दिए गए दोस्तों, ये भी खेल परिसर है, तो इनको किस खेल में यूज किया जाता है। तो दोस्तों याद रखो, जो रिंक दिया है ये मुक्केबाजी का खेल परिसर है, रेंज दोस्तों निशानेबाजी का होगा, और गोल्फ जो होगा कोर्स का होगा। तो ये खेल परिसर और किस खेल से रिलेटेड है, एग्जाम के अंदर छप सकता है, अच्छे से पढ़िएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर पांच, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है। बॉम्बे बॉम्बर याद रखिएगा साथियों, सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर का उपनाम था बॉम्बे बॉम्बर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगली अगर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने छह नंबर, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती, सही जवाब हो जाएगा
ए वाला ऑप्शन यानी कि जायरे। दोस्तों जायरे देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी चाइना भारत यानी याद रखिएगा दोनों देशों से कर्क रेखा गुजरती है। आगे यदि बात करें दोस्तों कर्क रेखा टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है, एग्जाम में छपे तो जरूर बताइएगा, उनमें भारत भी एक है, मतलब अपना इंडिया दोस्तों। तो अपने इंडिया के लिए कमेंट्स जरूर कर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर। यह माही नदी को दो बार काटती है, याद रखिए एग्जाम के अंदर किस नदी को कर्क रेखा दो बार काटती है सब पूछा जाता है, माही नदी उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक से याद रखिएगा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में, वेरी मोस्ट आईएमपीए आरबीआई, छाप के जाइएगा एग्जाम में फंस सकता है। आगे यदि बात करें 8वां नंबर, भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं, मतलब ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं, सही जवाब हो जाएगा असम एवं गुजरात, यानी डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, असम एवं गुजरात खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है, याद रखिएगा। अब आगे आप समझिएगा इस तेल उत्पादक से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा दोस्तों देहरादून, एग्जाम में आग लगा सकता है क्वेश्चन, तो इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। आगे यदि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, वेरी मोस्ट आईएमपी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, बिंदुसार ए सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आगे यदि बात करें बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाए अमित्रघात किसे कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन में लिखा भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, यानी ये जो चार राज्य है इनमें से एक राज्य ऐसा है दोस्तों जिनमें कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें दोस्तों महाराष्ट्र में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, अब याद रखिएगा तमिलनाडु में अब तक दो महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, एक का नाम है जानकी रामाचंद्रन एवं जयललिता, दूसरा अगर बात करें राजस्थान में भी दोस्तों एक महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, वसुंधरा राजे इनका नाम है, और उत्तर प्रदेश में दो महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, सचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। तो ये वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी थी जो आपको दोस्तों YouTube में कहीं नहीं मिलेगी इतनी प्यार से और अच्छे से। आगे यदि बात करें 11 नंबर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है, वेरी मोस्ट आईएमपी, तो याद रखिएगा मुंबई, यानी कि इसका सी सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पूछा जाए मुंबई में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नावा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बताइएगा, गलत कतई नहीं करना है दोस्तों। आगे यदि बात करें 12 नंबर, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, वेरी मोस्ट आईएमपी, तो दोस्तों याद रखिएगा नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, गोदावरी नदी। आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर ये गलत हो गया दोस्तों, नावा शेवा नहीं हो पाएगा और ये जानकारी पिछले क्वेश्चन की आ गई है। हाँ एक चीज आपको यहां से समझना है, वेरी मोस्ट आईएमपी, समझिएगा भारत के जो दोस्तों चार प्रयागराज इलाहाबाद में है दोस्तों, उज्जैन हरिद्वार में, नासिक, और कुंभ मेलों का जो आयोजन होता है इनमें से एक नासिक में भी होता है दोस्तों, तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर है और यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ साझा करते हैं, मतलब कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, मतलब नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हैं, सही जवाब हो जाएगा 5, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, भारत के ये 5 राज्य दोस्तों जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी एग्जाम के अंदर आ सकती है। आगे यदि बात करें 14 नंबर, और छापिएगा दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर आग लगा सकता है क्वेश्चन, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा
ए वाला ऑप्शन, देश में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है, जो दोस्तों लिंगानुपात का परिकलन करती है, लिंगानुपात को दर्शाती है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अब टॉप अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था दोस्तों 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए तो 15 नंबर, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 हमें ऑप्शन में किसमें दिया गया, 23 जून, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर समझिए अति महत्वपूर्ण जानकारी, इस युद्ध में एक और तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी और बंगाल के नवाब की सेना, तो किन दो के बीच में हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों 16 नंबर आ जाइएगा सभी, 16 नंबर की अगर हम बात करें, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, वेरी मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, झांसी की रानी, यानी झांसी की रानी जो ये फिल्म थी दोस्तों ये पूर्णतः रंगीन फिल्म थी, देश की पहली, भारत की पहली। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में पहली पूर्ण स्वदेशी मूक फीचर फिल्म का अगर पूछे दादा साहब फाल्के, और दूसरा अगर पूछे आपसे भारत की पहली बोलती फिल्म बताओ तो आलमारा, ये तीनों फिल्मों के बारे में आपको छाप के एग्जाम में जाना है। आगे अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों 17, किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1937, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1937 में, याद रखिएगा म्यांमार जो देश है दोस्तों भारत से अलग हुआ था। आगे यदि बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ जाइएगा 18, विश्व का सबसे बड़ा दीवार है, वेरी मोस्ट टाइम टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी दीवार बताना है, सही जवाब हो जाएगा चीन की महान दीवार, यानी सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, चीन की महान दीवार दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार है। आइए जान लीजिए विश्व की सबसे लंबी दीवार की लंबाई दोस्तों 21,196 किलोमीटर इस दीवार की लंबाई है, जो चाइना और भारत के बीच में दोस्तों, तो विश्व की सबसे लंबी ये दीवार है, एग्जाम में छाप के रखना है। आगे यदि नेक्स्ट बात करें दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आप सभी को याद होगा दोस्तों 5 जून को, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आप क्या करिएगा दोस्तों, जून माह के क्या करिएगा, सभी दिवस एक बार रिवाइज करिएगा मेरे साथ, और इन दिवस को कमेंट्स में एक बार लिख के आप मेरे पास भेजिएगा दोस्तों, कमेंट्स अगर आप एक बार लिखते हैं तो मैं आपसे 100% गारंटी दे रहा हूं जून माह के आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद हो जाएंगे महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून याद रखिएगा विश्व दूध दिवस, और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून अगर दोस्तों पूछे विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, और 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों इन्हें कमेंट बॉक्स में छाप के एक बार आपको भेजना है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आप कभी नहीं भूलोगे, आप एक बार इस बात को मान के देखिएगा। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में 20, और आज का वेरी मोस्ट आईएमपी और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है, पहली उप गवर्नर महिला भारती कौन बनी थी, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केजे उदेसी, यानी कि 20 का राइट आंसर आ जाएगा, केजे उदेसी पहली भारतीय महिला है दोस्तों जो विश्व बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी थी। अब आप भारतीय रिजर्व बैंक से समझिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे दोस्तों ओसबर्न स्मिथ, और अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर पूछे सीडी देशमुख बताइएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को प्रतिदिन इस क्लास से जुड़ना है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना सफे तो सीरीज ही बेकार है, आप यकीन मान लीजिएगा इस सीरीज से काफी फायदा आप लोगों को, प्रतिदिन आप जुड़ के देखिएगा दोस्तों, हर दिन
थोड़ा सा पढ़े लेकिन जरूर पढ़े दोस्तों, काफी फायदा आपको होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारे और भी कोई वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पुनः मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।